जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर के स्वामी अपना पहला लेक्चर कॉस्ट अकाउंटिंग पर अपलोड कर रहा हूं। कॉमर्स के स्टूडेंट्स, चाहे वे एकेडमिक साइड के हो, प्रोफेशनल हो, सभी के लिए ये पेपर, ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है। आप बीकॉम, एमकॉम, सीए, सीएस, सीए में करते हैं, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग किसी न किसी सेमेस्टर में, किसी न किसी एनुअल स्कीम में पढ़ना ही पड़ता है। जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन लेते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस वैसे वैसे ही बढ़ जाती है। आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हो, किसी भी लेवल या स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, आप अपने कॉलेज, अपने इंस्टीट्यूट या सीए इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट्स से रिकमेंडेड बुक तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन साइमल्टेनियसली आपको रेफरेंस बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी। जैसे मैं विजयनगर जिला अजमेर राजस्थान को बिलोंग करता हूं, हमारे यहां यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कॉस्ट अकाउंटिंग बाई जैन खंडेलवाल पारिक, कॉस्ट अकाउंटिंग बाई ओसवाल एंड अदर्स जनरली इनको पढ़ते, लेकिन जब यही स्टूडेंट्स सीए, आईसीडब्ल्यूएस, सीएस की तैयारी करते हैं तो इन्हें रेफरेंस बुक्स की जरूरत पड़ती है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएमए इंस्टीट्यूट रेफरेंस कोट करती है और उनके अकॉर्डिंगली ही पढ़ना पड़ता है। जैसे कॉस्टिंग बाई सक्सेना वशिष्ठ, वशिष्ठ कॉस्ट अकाउंटिंग बाई सक्सेना वशिष्ठ, कॉस्टिंग के अन्य जो महत्वपूर्ण प्रसिद्ध ऑथर्स रहे हैं और है भी, बी के बहार, एम के प्रसाद, एन सरकार आदि, इनको पढ़ना पड़ता है। आज हम अपना पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन पर दे रहे हैं। आप कॉमर्स के होने के नाते आपको मालूम होगा कि बिजनेस मेनली दो ही प्रकार का होता है। आप बनी बनाई वस्तु लेकर अपनी दुकान पर रखते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर आदि रखकर और उन्हें सेल कर। एक रेडीमेड गारमेंट्स की जिसकी दुकान है, शर्ट्स, ट्राउजर्स आदि रखकर। शू स्टोर है, चाहे वो बाटा कंपनी हो, चाहे लिबर्टी हो, आदिदास हो, बने बनाए जूते उनके पास में आते हैं और उन्हें ही वो सेल करते। लेकिन
सेकंड नंबर की जो बिजनेस कंसर्न होती है वह एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, जिसमें किसी वस्तु किसी आर्टिकल का मैन्युफैक्चर किया जाता है। देयर इज अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मार्क होता है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है क्या उसे अकाउंटिंग बुक्स रखने की जरूरत पड़ती है? तो हम कहेंगे यस। क्यों पड़ती है? क्योंकि उसे उस आर्टिकल विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय दैट कंसर्न उसकी टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट कंप्यूट करना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो मार्केट में किस प्राइस पर लॉन्च करेगा? कारण कि कॉस्ट के बाद में उसे अपना प्रॉफिट भी उसमें इंक्लूड करना होगा, देन सेलिंग प्राइस उसके पास में आएगी। इसके लिए वह जो अकाउंटिंग मेथड अडॉप्ट करता है जिसमें मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल या कमोडिटी की टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट की जाती है, कंप्यूट की जाती है, हम उसे कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से जानते। हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसकी टर्मिनोलॉजी हमें जरूरी होती है आना। अगर हम उसकी टर्मिनोलॉजी की नॉलेज नहीं रखते हैं हमें वो सब्जेक्ट कभी भी समझ में नहीं आता। फर्स्ट टाइम जब आपने बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी पढ़ी होगी आपको कैसी टर्म्स कॉमर्स बिजनेस ट्रेड परचेज सेल्स डेटर क्रेडिटर्स बिल्स रिसीवेबल्स बिल्स पेबल्स एसेट्रा एसेट्रा कई सी टर्म्स बताई हो। वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में भी जब हम इसकी स्टडी करें तो अकाउंटिंग को तो हमने पहले समझ लिया था 11th 12th में। यहां तो यह है कि कॉस्ट शब्द आया है हमारे सामने, तो ये कॉस्ट क्या है, इसका मीनिंग क्या है? कोई भी कॉमोडिटी कोई भी आर्टिकल जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाती है निर्माण करती है वो मुख्य रूप से तीन चीजों से बनती है, तीन आइटम्स से बनती है। अगर उनमें से किसी भी एक को इग्नोर कर दे वह आर्टिकल वह कॉमोडिटी किसी भी हालत में हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। यह कौन सी चीज है? मेटीरियल, पहला लेबर, दूसरा और एक्सपेंसेस, तीसरा। इन तीनों के बिना हम किसी वस्तु का निर्माण कदापि नहीं कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही छोटा सा। ऑफिस में आलपिन काम आती है, हमारे भी आती है, अपन लोगों के भी कभी कभार आती है। लोहे की बनी हुई होती है तो मेटेरियल उसका आयरन हो गया। अब वो आयरन तो हमने परचेज कर लिया तो क्या वो आयरन पड़ा पड़ा अपने आप ही आलपिन का रूप ले लेगा? नो, लेबर चाहिएगा हमें। तो क्या मेटेरियल भी है आयरन भी है और वहां हमने श्रमिकों को भी इकट्ठा कर दिया, वर्कर्स को भी इकट्ठा कर लिया, दोनों मिलकर क्या उसे आलपिन का सेप दे सकते हैं? नो।
आपको एक फैक्ट्री प्रीमिसेस चाहिएगी, उसमें मशीन प्लांट्स चाहिएंगे, बिजली चाहिएगी, पावर चाहिएगा, वाटर चाहिएगा और ना मालूम और कौन कौन से खर्चे होने होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मेटेरियल भी जरूरी है, लेबर भी जरूरी है, एक्सपेंसेस भी जरूरी है। इन तीनों आइटम्स को ही हम लागत के तत्व एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कहते हैं। यहां हमने आपके लिए लिखा है एक वस्तु का निर्माण सामग्री मेटेरियल श्रम लेबर और खर्चों के योगदान से होता है। बिना इनके मिलन के कदापि आप किसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते। इन तीनों पर जो व्यय होता है उनका योग ही लागत होता है। कॉस्ट ऑफ मेटेरियल प्लस कॉस्ट ऑफ लेबर प्लस कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, इनका जो सम होता है इट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट, कुल लागत वही होती है। इन तीनों मदों को ही लागत के तत्व एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कहते हैं। तो इस तरीके से जिन तीन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, जिनके बिना वस्तु का निर्माण संभव नहीं है, उनको ही हम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कहते हैं। प्रत्येक निर्माणी संस्था उसके द्वारा निर्मित वस्तु की कुल लागत और प्रति इकाई लागत ज्ञात करना चाहती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यानी कि टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए वह लेखांकन की जो विधि मेथड ऑफ अकाउंटिंग काम में लेती है उसे ही लागत लेखांकन कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार लागत के तीन तत्व होते हैं। पहला मेटेरियल सामग्री, दूसरा लेबर श्रम एंड तीसरा एक्सपेंसेस। अब सेकंड पोर्शन में आइए, पहले इसमें हमने लिखा कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेसिस पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के आधार पर हम इन तीनों फैक्टर्स को दो दो भागों में बांटते हैं। ये दो दो भाग क्या है, जैसे मेटेरियल है उसका फर्स्ट डायरेक्ट मेटेरियल, सेकंड इनडायरेक्ट मेटेरियल, फिर लेबर आया फर्स्ट डायरेक्ट लेबर सेकंड इनडायरेक्ट लेबर, फिर एक्सपेंसेस आया फर्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड सेकंड इनडायरेक्ट। तो यहां हमने आपको बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आधार पर प्रत्येक तत्व दो दो भागों में बटा होता है, मेटेरियल डायरेक्ट मेटेरियल एंड इनडायरेक्ट मेटेरियल, लेबर डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर, एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये क्यों किया जाता है, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जब कॉस्टिंग में एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे और एडवांस्ड कॉस्टिंग प्रॉब्लम्स देखेंगे तब आप पाएंगे कि ये जो कॉस्टिंग है ना ये इतना इजी सब्जेक्ट कदापि नहीं है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन लेने का एक बेस होता है, यह एक फैक्ट्री को एक कंपनी को बंद भी कर सकता है और आसमान तक तरक्की पर पहुंचा सकता है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट कैसा है और उस कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा जो लेखांकन तैयार किया गया है, जो कॉस्ट रिपोर्ट्स दी गई है, जो अकाउंट्स प्रोड्यूस किए गए हैं, उनका यूज करने वाले कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। इसलिए आप लगातार बने रहिएगा और इसमें देखिएगा, अब डायरेक्ट मेटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस
इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक कॉस्ट शीट भी उसका प्रोफोर्मा भी बनाकर बताएंगे जिसमें हम अलग अलग प्रकार की लागत ज्ञात करना आपको बताएंगे। यहां केवल इतना ही सीखिएगा अभी आज कि डायरेक्ट मेटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर हम इनका सम करते हैं तो हमारे पास में प्राइम कॉस्ट मूल लागत आ गई है। ये डायरेक्ट से संबंधित था। सेकंड बेस हमारा इनडायरेक्ट का है, इनडायरेक्ट मेटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सब का जो सम होता है वो ओवरहेड्स या ऑन कॉस्ट उपरिव्यय के नाम से जाना जाता है। आपको मैं बता दूं कि उपरिव्यय जो ऑन कॉस्ट है, जो ओवरहेड्स है, ये मुख्य रूप से एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में तीन भागों में बांट। पहला पार्ट इसका है, पहला भाग है इसका फैक्ट्री ओवरहेड्स, या कुछ बुक्स में इसे फैक्ट्री ऑन कॉस्ट यानी कि कारखाना उपरिव्यय कहते हैं। दूसरे भाग में हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, जिसे कि कुछ बुक्स के अंदर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑन कॉस्ट भी कहते हैं। और तीसरा और अंतिम प्रकार जो इसमें ओवरहेड्स का आता है वो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, विक्रय एवं वितरण। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कुछ बुक्स के अंदर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कॉस्ट भी लिखा हुआ होता है। तो ये हमने तीन प्रकार बनाए, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इस प्रकार से इन तीनों प्रकार के ओवरहेड्स का जब हम सम करते हैं तो वही ओवरहेड्स या टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से जाना जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको यहीं तक बतलाकर विराम देना चाहेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक बात और बता दूं जाते जाते कि देखिए, हम आपके लिए जो क्लास ले रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, ये सोचकर ले रहे हैं कि आप मेरे सामने बैठे हुए स्टूडेंट्स है, चाहे किस लेवल के हो, आप मुझे और केवल मुझे ही सुन रहे देख रहे हैं, आप जो वीडियो देख रहे हैं उसे देखने के साथ साथ यहां एक रिवाज भी चलन में है YouTube पर, और वो कस्टम ये है कि आप उसे लाइक करें, उसे सब्सक्राइब करें, जो आपके फ्रेंड्स जो जिनके कॉस्टिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, उसको नहीं मालूम, आप उन्हें शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। हमारी ये क्लास, मैं आपको पक्की बात बता रहा हूं कि कंटिन्यू रहेगी, वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे। आपको अभी इस COVID-19 के समय अभी कहीं किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में नहीं जाना है, और अगर जाते हैं तो यह आपकी अपना एक डिसिप्लिन है, जाना है जाइएगा, लेकिन आप इस वीडियो को मिस ना करें और अपने कमेंट्स भी आप जरूर लिखें। आपकी अपनी कोई प्रॉब्लम हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, आप जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। कुछ समय के लिए ये स्क्रीन आपको पूरा का पूरा दिखाया जा रहा है।